जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों UGC नेट JRF से रिलेटेड, और जिन बच्चों को PhD में एडमिशन लेना है या PhD करने का इंटरेस्ट है तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि UGC नेट ने PhD के लिए एक न्यू गाइडलाइन जारी करी है। NAP 2020 के अनुसार अब यूनिवर्सिटीज़ में PhD एडमिशन लेना काफ़ी आसान हो गया। पहले का प्रोसेस क्या था और अब का प्रोसेस क्या चेंज हुआ है उसके बारे में जानेंगे। और एक खास एक कमेंट और खास क्वेश्चन ये था कि इस नोटिफिकेशन के चेंज होने के बाद जिन बच्चों ने पहले से नेट और JRF क्वालिफाई कर रखा है उनके साथ क्या होगा, तो वन बाय वन सब पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उस पब्लिक नोटिस के बारे में जो UGC ने कल जारी किया और बताया कि क्या नई तब्दीली और क्या नया चेंजेस आया है एडमिशंस के लिए PhD के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को जब आप पढ़ेंगे तो इस नोटिफिकेशन के सबसे ऊपर UGC ने अपने बारे में बताया है कि कैसे वो टेस्ट लेता है, इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट थ्रू द NTA के द्वारा ये कंडक्ट कराता है। साल में दो बार होता है, एक जून में और एक दिसंबर में। और इसमें दोस्तों आपको JRF भी होता था और साथ ही साथ आप नेट के लिए भी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप क्या करते थे, क्वालिफाई करते थे। कौन? जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखा है। अब यहाँ पे एक समस्या ये थी कि मेनी यूनिवर्सिटी कंडक्ट देयर एंट्रेंस एग्ज़ाम एडमिशन फॉर PhD प्रोग्राम्स। बहुत सारे विश्वविद्यालय थे वो अपना सेल्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कराते थे PhD में एडमिशन के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना अलग कराएगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना अलग कराएगा, GNU अपना अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू लेता था। तो इसमें जो कैंडिडेट होते थे उनको हर एक यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई करना पड़ता था, हर एक यूनिवर्सिटी में उनको जाके टेस्ट देना पड़ता था। इसके लिए पैसे भी लगते थे और समय भी लगता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट टू राइट मल्टीपल PhD एंट्रेंस टेस्ट टू हेल्प स्टूडेंट विद द वन नेशनल एंट्रेंस फॉर PhD एडमिशन। अब पूरे देश में ये UGC ये चाहता है कि एक PhD के लिए नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स हो जिसके बेस पे PhD में एडमिशन मिल सके। UGC कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, तब इसके लिए UGC ने क्या किया, एक एक्सपर्ट की कमेटी बैठाई और उनसे कहा कि इसके बारे में आप रिपोर्ट तय कीजिए। तो देखिए, 578th मीटिंग हेल्ड ऑन द 13th मार्च 2024। तो 13 मार्च को एक मीटिंग हुई जिसके बाद बेस्ड ऑन दैट एक्सपर्ट्स कमेटी UGC हैज डिसाइडेड दैट फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 24-25 इस साल से, जून 2024 में जो नेट JRF होगा उस साल से, नेट स्कोर कैन बी यूज फॉर एडमिशन PhD प्रोग्राम इन द प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाई द डिफरेंट यूनिवर्सिटी। तो अब UGC ये कहता है कि जो नेट का आपका स्कोर है उस बेस पे आपको PhD एडमिशन मिल जाएगा, इंस्टेड ऑफ जो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ थे वो PhD के एंट्रेंस एग्जाम्स कराते थे। अब UGC नेट ने क्या किया कि अब जो आपका नेट का जो सर्टिफिकेट, जो मार्कशीट आएगा वो तीन कैटेगरी से आएगा, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। अब इसमें क्या होगा, आप कैटेगरी 1, अगर आप मान लीजिए नेट का पेपर देते हैं और आपके स्कोर बहुत अच्छा है तो आप कैटेगरी 1 में आएंगे, और कैटेगरी 1 में आने के बाद आप JRF के लिए एलिजिबल है। मतलब जो भी जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको जो स्टाइफंड मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो आपको मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपना PhD तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। तो ये कैटेगरी 1 की बात होगी, जो टॉप के बच्चे हैं। अगर आप सेकेंड कैटेगरी में आते हैं, अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम होता है तो आपको JRF तो नहीं होगा लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और आपको PhD में एडमिशन मिल सकता है। ये पहली बार होगा जब UGC ने थर्ड कैटेगरी ऐड करी है अपने नेट और JRF के पेपर में। अब इस थर्ड कैटेगरी में ये है कि बच्चा वो स्टाइफन या JRF तो नहीं होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर तो नहीं होगा, लेकिन PhD के लिए एलिजिबल हो सकता है। अब इस थर्ड कैटेगरी के बेस पे वो PhD में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। अब ज़रा इसको और एक्सप्लेन किया गया है नीचे, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है कि जो दो ये कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में जो बच्चे आएंगे, द मार्क्स ऑब्टेन इन नेट द कैंडिडेट्स इन कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 विल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर द एडमिशन ऑफ PhD। एक साल के लिए ही वैलिड होगा अगर आप कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में आते हैं, तो वो एक साल के अंतर्गत ही आपको PhD में एडमिशन लेना होगा, अदरवाइज आपका वो मार्क्स कैंसिल हो जाएगा, आपको दोबारा वो पेपर देना पड़ेगा। अब ज़रा इसको समझते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या, इसको अप्लाई, हालांकि अभी इस पर ब्रीफ नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन अब होगा क्या, यूनिवर्सिटी जो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स कराती थी उसके बेस पे नेट के स्कोर पे ही आपका PhD में एडमिशन हो जाएगा। और कैसे होगा इसकी अलग ब्रीफ नोटिफिकेशन आएगी, लेकिन हो सकता है कि आपका जो नेट का स्कोर है उस बेस पर आप काउंसलिंग कर सकते हैं,
जैसे आप यूजी और पीजी में करते हैं, उस बेस पे आप काउंसलिंग कर सकते हैं। आपको जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए, वहाँ से आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी अलॉट हो सकता है। या फिर हो सकता है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने नोटिफिकेशन जारी करेगी कि अगर इतने और इतने मार्क्स के अंतर्गत आपका नंबर है या इतने और इतने रैंक के बीच में अगर आप आते हैं तो आप हमारे पास PhD में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से अब यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बजाय जो आपका नेट जो आपका UGC नेट का मार्कशीट है और जो इसमें अगर आप थर्ड कैटेगरी, जैसे फर्स्ट कैटेगरी का तो कोई दिक्कत ही नहीं, फर्स्ट कैटेगरी JRF वालों को तो पहले भी यूनिवर्सिटीज़ बाबू की तरह बुला लेते थे, पहले भी उनका एडमिशन ले लेते थे। सेकेंड नेट जिनका था जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे उनको भी एडमिशन, उनको इंटरव्यू और इन सब में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब थर्ड कैटेगरी भी ऐड कर दी गई है, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए, PhD के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है कि इस बार का जो नेट होगा उसमें एप्लीकेंट ज़्यादा आने वाले हैं। अब जिन्होंने जितने लोगों ने मास्टर किया वो सारे के सारे आवेदन करेंगे, क्योंकि वो खुद को चेक करेंगे, खुद को सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, सेकंड कैटेगरी में तो ईजिली लेंगे, थर्ड कैटेगरी में भी आते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन रहता है, वो भी काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। तो ये चीज़ तो मुझे लगता है कि इस बार जो UGC नेट के एप्लीकेंट आने वाले हैं वो ज़्यादा आने वाले हैं, और ये एक अच्छा है, मतलब एक अच्छा है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं, आप दूसरे स्टेट में जाना प्रीफर नहीं करते थे, वहाँ की फॉर्म कब आई कब चली गई आपको पता नहीं चलता था, वहाँ एक बार पेपर देने जाना है, वहाँ पे एक बार इंटरव्यू देने जाना है, तमाम चीज़ें हुआ करती थी। अब आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में यानी कि एक UGC नेट में आप पेपर देंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि किस कैटेगरी में आप आते हैं, फिर उस बेस पे आप एडमिशन लेने का सोच सकते हैं कि अगर उस रैंक पे आपको मुंबई में, दिल्ली में, आंध्रा में, तेलंगाना में, पंजाब में कहीं भी अगर यूनिवर्सिटी अलॉट होती है तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं, आपको बार बार हर जगह जाना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है, बहुत ही अच्छा कदम है UGC नेट के द्वारा। अब ब्रीफ जब नोटिफिकेशन आएगा इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि द नोटिफिकेशन एंड द बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द नेट June 2024 विल बी इशूड बाई द NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शॉर्टली ऑन दिस वेबसाइट। तो जैसे ये आता है फिर उस पर बात की जाएगी, फिर उस पर चर्चा की जाएगी। मगर एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपका UPG है, अगर आपने MA, MSc, MCOM जो भी किया है दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि June 2024 का आप फॉर्म ज़रूर भरिएगा, प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए। MEd वाले तो खास तौर पे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप जरूर भरिएगा, MA जो जिन्होंने इंग्लिश से किया है, गोल्ड मेडलिस्ट, आप भी फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म भरिएगा और तैयारी अच्छे से करिए। सो आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश कि आपका कैटेगरी 1 में आए, JRF में आए, और इस बार मैं भी अपीयर होने वाला हूँ UGC नेट में, एंड आई होप कि मेरा भी अच्छा स्कोर है और फिर मैं एडमिशन ले सकूँ। तो बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, बाकी जैसे भी नोटिफिकेशन आती है मैं आपको बताऊँगा। जुड़े रहिए चैनल से, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, जुड़ना चाहें तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। अगर किसी और को शेयर करना चाहते हैं, किसी तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं तो आप ये जानकारी उन तक पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।